दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस की धमक के बाद कांग्रेस गोलबंद होकर लगातार प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। इधर इस मामले को लेकर लोहरदगा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पावरगंज चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। कांग्रेसियों का आरोप है कि पावर का गलत इस्तेमाल कर राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो राजनीतिक मर्यादा को तोड़ने का काम किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के पीछे वजह क्या? अब देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान देश के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के साथ देश की महिलाओं ने अपनी व्यथा अपने दुख दर्द साझा किया, बताया कि वर्तमान परिवेश में उनके साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। उसी बातों को आज 45 दिन बीते दिन हो गया है। अभी दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री की इशारे पर राहुल गांधी के घर जाकर उनसे पूछताछ कर रही है, जो बेतुका और देश हित में नहीं है। राहुल गांधी देश के नेता, उनके साथ देश की महिलाएं, उनके साथ व्यापारी, नौजवान साथी, कोई उनके अपने दुख दर्द साझा कर सकता है, यह स्वतंत्रता है। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग जिस तरह से ये राजनीतिक मर्यादा को तार तर कर राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे। और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है और इसके जो कारनामा है भारतीय जनता पार्टी